हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं हम इंडियन नेवी के बारे में। जी दोस्तों, आपका 2019 का जो नया फॉर्म है डबल ए और SSR के लिए, तो आपका फॉर्म आ चुका है। डबल ए का मतलब दोस्तों ये है कि आर्टिफिशर अप्रेंटिस का फॉर्म है, और SSR का मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सारे डिटेल्स की, बात करेंगे छोटी छोटी बातों की, बात करेंगे इसमें जो कुछ बदलाव हुए हैं उसकी बात करेंगे, इसका फॉर्म आपसे कब से स्टार्ट होगा इसकी भी बात करेंगे, कितनी फीस लगने वाली है और इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है। दोस्तों ये भी बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और इसमें और भी छोटे जो डिटेल्स एनालिसिस की बात करेंगे कि आपको क्या है इसमें, आपको क्या क्या कंपलसरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और आपके क्वालिफिकेशन में कौन सी क्लास में क्या आपकी डिग्री मांगता है, कितना परसेंटेज मांगता है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है उन सभी लोगों के लिए जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबको बताते हैं आपको ये वीडियो में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देख लीजिए, अदरवाइज अप्लाई करते हैं अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना चाहूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। नोटिफिकेशन को दिखाकर तो दोस्तों सारा कुछ बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या, आपको एक एक स्टेप बाई बताया जाएगा, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सारे क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको स्क्रीन शॉट ले रखा है, आपको भारतीय नौसेना आर्टिफिशर अप्रेंटिस यानी कि डबल ए, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि SSR, आपको यह जो है फरवरी 2020 बैच के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये आवेदन सबसे पहली बात किसके लिए, तो वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी कि महिला अभ्यर्थी इसको आवेदन नहीं कर सकते, केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वो भी जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी अविवाहित जो भी कैंडिडेट हैं वही आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीट कितनी है इसमें, तो सीटों की बात करें तो टोटल इसमें आपकी 2700 सीटें हैं, जिसमें से 500 आपकी डबल ए यानी कि आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के लिए है, और 2200 आपकी यानी कि 2200 जिसमें से आपको SSR के लिए, ठीक है, SSR के लिए 2200 सीटें हैं और डबल ए के लिए 500 सीटें हैं। ऐसे मिला जुला कर बात करें दोस्तों तो टोटल नियर अबाउट वैकेंसी आपकी 2700 वैकेंसी आपकी इस फॉर्म में है। ठीक, आगे बात करते हैं आपकी जो इसी में आपकी योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक होता है आपको डबल ए के लिए 10+2 होना चाहिए, और जैसे गणित और भौतिकी तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डबल ए के लिए, और साथ में आपका कोई एक विषय हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या कंप्यूटर साइट हो, जिसमें आपको कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यानी कि आपको डबल ए का यदि फॉर्म डालना है तो आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए मैथ और गणित के विषय से, विषय के साथ साथ आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट के साथ आप पास किए हों इंटरमीडिएट। ठीक है, जो कोई भी बोर्ड हो, आपको यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड हो जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उस बोर्ड से यदि आपने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है तो डबल ए का फॉर्म आप डाल सकते हैं। बात कर लें SSR के लिए, तो SSR में भी आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए आप, जो कि आपको गणित और भौतिकी के साथ साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कंप्यूटर कोई एक सब्जेक्ट आपके साथ आप इसमें भी पास हों, तो इसके बाद आप SSR का भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं आपकी आयु की, आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों अब ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी आयु तो जो भी होगी, आपको जो भी एज होगी उसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको दो वैकेंसियाँ इस मतलब आती हैं जिसमें आपको छूट नहीं मिलती, दोनों सेना की वैकेंसी होती है, इंडियन आर्मी में जब वैकेंसी आती है उसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती है एज में, और नेवी की भी जब वैकेंसी आती है तो भी उसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। अभी बात करने के लिए दोस्तों आपको एक्चुअल होनी क्या चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 फरवरी 2000 के बाद और 31 जनवरी 2003 के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपको कि वेतन आपका क्या मिलेगा और आपको वेतन कितना दी जाएगी। तो बात करें दोस्तों अभी जब आपको प्रशिक्षण के दौरान आपको 14,600 रुपये का वेतन दिया जाएगा, जो कि नौसैनिकों को दिया जाता है स्टाइपेंड के रूप में, वही आपको दिया जाएगा 14,600 रुपये, और बाकी सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको जो SSR है और डबल ए उसको अलग अलग आपको यहाँ पर वेतन मान दिया जाएगा। इसके जैसे भत्ता होते हैं जो मिलिट्री ग्रेड पे होता है 5200 यानी कि आपको मिलेगा SSR के लिए, और 6200 मिलेगा आपको डबल ए के लिए आपको मिलिट्री का ग्रेड पे। और बात कर लें दोस्तों कि आपको लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच में आपका सैलरी बनेगी, और इसके बाद आपको ग्रेड पे 5200 या 6200 आपका
मिलेगा। AA के लिए 6,200 और SSR के लिए 5,200 रुपये उसमें ऐड करके दिया जाएगा। अभी बात करते हैं आपकी पदोन्नति कहाँ तक हो सकती है। तो दोस्तों आपकी पदोन्नति की बात करें तो आपको मास्टर इन चीफ पेटी ऑफिसर के पोस्ट तक आपकी जो पदोन्नति है, जो आपका प्रमोशन है, वो किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपका वेतन लेवल 8 के अनुसार यानी 47,600 से 151,100 के बीच में हो जाता है, जो कि आपका ग्रेड पे फिर वही होगा 5,200 आपका SSR के लिए और 6,200 रुपये आपका AA के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके चयन दंड यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, उसके बाद PFT लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। PFT का मतलब है दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या लिया जाएगा आपको वो भी बताया जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा क्या ली जाएगी। परीक्षा आपकी जो होगी वो 100 प्रश्नों की होगी, जो एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 100 प्रश्नों होगा, 100 नंबर का होगा आपका इसका परीक्षा। दोस्तों आपको AA का फॉर्म डालें या फिर SSR, दोनों के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आपका सिलेक्शन उसमें लिया जाएगा आपके मेरिट के अनुसार, ठीक है। तो आपका दोनों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी जो कि कंप्यूटर आधारित होगी, जिसको हम CBT बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, यहां पे आपको नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है। इसके बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा होगा, जिसको PFT कहते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपको उसमें बता दें आपको कि इसमें जो आपका प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब दोस्तों इसमें आपके MCQ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, जिसके 2 से 4 से 5 विकल्प हो सकते हैं, इसमें आपको एक सही विकल्प का चयन करना होता है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे बात कर लें दोस्तों, जो आपके प्रश्न होते हैं निगेटिव मार्किंग के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा गया कि निगेटिव मार्किंग आपका इसमें होता है। एक प्रश्न में आपका यदि गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क काट ले जाते हैं, और आपका यदि एक प्रश्न सही होता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है। ऐसे में आपको बात कर लें कुल नंबर्स की, तो आपको मतलब आपका जो परीक्षा होने वाली है 100 नंबर की होगी, 100 प्रश्न होंगे, और आपका जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं PFT में। तो दोस्तों PFT की बात कर लें तो आपको मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका जो कि परीक्षा होगी वो 1,600 मीटर की दौड़ होगी, जो पुरुष वर्ग के लिए आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी आपकी PFT, यानी 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी PFT में, और आपको 20 उठक बैठक स्क्वाट अप्स लगाने होंगे, और आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे, यानी कि 10 आपको दंड बैठक और 20 उठक बैठक लगाना होगा। जो कहीं बात कर लें आपको कि आपके पास यदि कोई खेल कूद का, तैराकी का, या पाठ्यक्रमेत्तर में आपको कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो, NCC हो, तो आप उस सर्टिफिकेट को ओरिजिनल लेके जाएं। दोस्तों आपका जब परीक्षा लेके बुलाया जाएगा तो आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, हाई स्कूल की हो, इंटरमीडिएट की हो, मार्कशीट्स हो, आपकी जो सर्टिफिकेट हो, सब कुछ आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। अपना एक ID कार्ड ले जाएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने होंगे, जो कि आपने फॉर्म डालते समय आपको जो फोटो देंगे उस सेम टाइप का फोटो आपका होना चाहिए, उसको आपको लेके जाना होगा, ठीक है। और अब बात करें दोस्तों आपकी इसके फिजिकल फिटनेस में आपका लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपका हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपका जो मिनिमम हाइट होगी वह 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके बाद आपकी इसी के अनुसार आपकी वेट, आपका चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट का दोस्तों आपका थोड़ा सा नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपका जो एक्सपेंड है, जो फुलाव है, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको उसमें से छांट दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें आपको कोई भी सूचना, जब जो भी सूचना आपको दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है कि भर्ती के हर स्तर पर अभ्यर्थियों से संपर्क के लिए केवल संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाएगा, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का मतलब है दोस्तों आपको मेल के द्वारा ही सारी सूचनाएं आपको दी जाएगी। तो आपको जो भी सूचनाएं होंगी मेल के द्वारा मिल जाएगी। यदि आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल पर संपर्क करिएगा, हमारे चैनल द्वारा आपको वीडियो बना करके आपको जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी आपको नई नोटिस आएगी, सबको आपको सब कुछ आपको बताया जाता है, तो आप उससे भी अपडेट हो सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों आपका जो परिणाम होगा, मान लीजिए आपने परीक्षा में गए, PFT में आपने सफल हो गए, इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपका सबसे पहले एग्जाम था, इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, इसके बाद आपका मेडिकल था। दोस्तों मेडिकल में आपका फर्स्ट में जब मेडिकल होता है फर्स्ट स्टेज का, जिसमें आपको छांट दिया जाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप रीमेडिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको रीमेडिकल के लिए फिर से बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, जैसे कि आपका रिजल्ट जो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका रिजल्ट आपको जो आपको यहाँ पर देखा एक संभाव तो 30 दिनों के अंदर आपको घोषित कर दिया जाता है। आपका जो भी रिजल्ट होता है 30 दिनों के अंदर आपको घोषित कर दिया जाता है, और लगभग जितने भी मतलब कैंडिडेट आपके परीक्षा में बैठे होंगे उसमें से 10,000 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उन्हीं लोगों को बुलाकर उनका मेडिकल कराया जाता है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा उन्हीं लोगों की कराई जाती है, ठीक है। जैसे कि 10,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, परीक्षा पहले सबसे पहले मैंने बताया परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद आपको 10,000 कैंडिडेट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, 10,000 लोगों को कट ऑफ बना करके उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उनकी PFT कराई जाएगी, जो PFT में दोस्तों उत्तीर्ण होंगे, जो लड़के उसमें पास करेंगे, जो उसमें
फिट हो गए पूरे, उसके बाद उनसे 1 से 2 दिन के बाद ही उनको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद उनका PFT कंप्लीट हो जाने के बाद चिकित्सक का परीक्षा होता है जिसको मेडिकल कहते हैं, तो मेडिकल उनका होगा। और मेडिकल जांच में यदि वे अनफिट होते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, PFT में योग्य पाए गए अभ्यर्थी प्रारंभिक चिकित्सीय जाँच से गुजरेंगे। प्रारंभिक चिकित्सा जाँच में चिकित्सीय रूप से अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी 21 दिन के अधिकतम अवधि के अंदर दिए गए सैन्य अस्पताल में विशेषज्ञ की समीक्षा के लिए जा सकते हैं। विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित करने पर आगे कोई समीक्षा अपील की नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आपको अयोग्य घोषित किया जाता है, आपको अनफिट घोषित किया जाता है मेडिकल परीक्षा में, तो आप 21 दिन के भीतर आप विशेषज्ञ डॉक्टर यानी डॉक्टर्स के द्वारा आप उसमें रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको उसमें फिट किया जाता है तो आपको फिर दोबारा मेडिकल होगा, और यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है आपको रीमेडिकल में भी, तो आपको फिर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको फॉर्म में आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, आपको फॉर्म की फीस बात कर लें तो दोस्तों आपको फॉर्म की फीस मैं दिखा देता हूं कि आपकी फीस कितने लगने वाली है। जैसे कि आपको यहां पर देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क आपका कितना लगने वाला है। यदि आप OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 205 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। यदि आप SC ST से हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, तो आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा, बिल्कुल डायरेक्टली आप फॉर्म डाल पाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो आपका, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। और किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप मतलब नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो का रिसर्च चेक करिए, वहाँ से आपको मतलब इस नोटिस का आपको लिंक मिलेगा। इस नोटिस को क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ पाएंगे बड़े आराम से। फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ ही सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।